गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं जस्ट पीछे वाले होटल्स में रह रहा था। फिलहाल मैं हूँ मोरे में। जो मोरे है ये इंडिया का लास्ट विलेज है म्यांमार बॉर्डर के पास। उस तरफ तामू आ जाता है और मुझे जाना है तामू, आई मीन म्यांमार तामू। और कल शाम को मैं यहाँ पे आया था बट काफ़ी लेट आया था, आई मीन 4 बजे आता और 4 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है, या किसी ने ऐसा ही कुछ कहा था मुझे। तो मैं कल क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज आया हूँ और सामान मैंने समेट लिया है। मैं अब निकलता हूँ बॉर्डर की तरफ। सुबह के 9:30 बजे हैं, सो के मैं लेट उठा और फटाफट सब तैयार हुआ। 9:30 बज गए। अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ बॉर्डर की तरफ। काफ़ी मैंने सामान ज़्यादा ले लिया इस ट्रिप पे, बट होपफुली पहुँच जाऊँगा, लंबा ट्रिप है तो। मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। इमिग्रेशन कस्टम्स ये वाली ऑफिस थी, ये ICP मोरे है और यहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ICP मोरे की तरफ से शटल सर्विस फ्री है। अगर आप मोरे जा रहे हो तो या तो मोरे जा रहे हो या तो आप म्यांमार जा रहे हो, अपोजिट में ये वैलिड नहीं है। लाइक अगर मोरे से इंडिया से आप म्यांमार जा रहे हो और मोरे बाज़ार से यहाँ आ रहे हो तो वैलिड नहीं है। ये रही मेरी गाड़ी जिससे मैं जाने वाला हूँ, जो मुझे छोड़ेंगे। ये भैया छोड़ रहे हैं मुझे म्यांमार बॉर्डर तक। ये था इंडियन साइड्स और वो म्यांमार साइड है, इसलिए बॉर्डर में ऑलरेडी आ चुका हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है। ये जो लोकल है ये शॉर्टकट है म्यांमार जाने का, नहीं मोरे जाने का। मोरे शॉर्टकट है, मोरे शॉर्टकट है, हाँ मोरे शॉर्ट जाने का शॉर्टकट है। ऐसे अब मैं लॉन्ग से आया बट मुझे पता चला कि ये शॉर्टकट है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोकल विलेज के थ्रू है लोकल। थैंक यू फॉर आगमन, थैंक यू फॉर विजिट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से जा रहा हूँ फूल पार करते ही वेलकम टू म्यांमार। सो वेलकम टू म्यांमार ऑफिशियली। मैं म्यांमार के अंदर आ चुका हूँ और म्यांमार के इमिग्रेशन ऑफिसर ने यार दिल जीत लिया। मतलब मैं पिछले बार भी म्यांमार आया था। म्यांमार के लोग खास करके इमिग्रेशन ऑफिसर इतने अच्छे होते हैं, मतलब कुछ नहीं पूछेंगे कितने पैसे कैरी कर रहे हो या कहाँ रहने वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा पासपोर्ट लिया, स्टाम्प दिया, उन्होंने कहा वेलकम टू म्यांमार। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई तेरा स्टाम्प कहाँ मारूँ, बताओ पेज बताओ कहाँ पे मार देता हूँ। मैंने एक खाली पड़ी जगह थी वहाँ पे बताया कि यहाँ पे मार दो। मतलब इतने अच्छे लोग हैं म्यांमार के, खास करके इमिग्रेशन ऑफिसर। मुझे लास्ट बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था और इस बार भी। सामने तामू है, तामू वार्मली वेलकम। और ये म्यांमार का पार्टी है। अब मुझे हिचाई करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा आगे चल लेता हूँ, वहाँ से मैं हिचाई करूँगा आई मीन तामू के लिए। और तामू में थोड़ा पैसे एक्सचेंज करा लूँगा, रिचार्ज करा लूँगा, क्योंकि मेरे पास म्यांमार का सिम कार्ड है ही, जब मैं पिछले बार आया था। उसके बाद फिर हिचाई करूँगा रंगून के लिए। आज देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। फिलहाल ये तामू वार्मली वेलकम। और वो जो दिख रहा है वो इंडिया है। तो म्यांमार में मुझे पहली लिफ्ट मिल गई, ये भाई साहब ने दिया है। और रोड काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे पूरी ग्रीन है। रिलैक्सेशन मिली मैं बाइक पे बैठने के बाद। काफ़ी धूप है यहाँ पे। अब सब कुछ बर्मीज़ में टोटली तरह से चेंज हो गया है। मैं म्यांमार सिटी आ गया हूँ, आई मीन तामू सिटी आ गया हूँ। और ये रहा जा रहा ओरीडो रिचार्ज बैलेंस ओके। तो यहाँ से मैं ओरीडो का रिचार्ज करवाता हूँ, जो किसी मेरे पास पहले से है ही। रिचार्ज करके देखता हूँ, प्रीमियम खोजता हूँ मैं। और इनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कयात भी नहीं है। ये लोग मैं इंडियन रुपीज़ लेंगे या नहीं लेंगे। इंडियन रुपीज़ टाका रुपया समझ नहीं आ रहा, बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1000 कयात का रिचार्ज कराया और इसमें मिला 1 GB डाटा। शायद मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा 3-4 दिनों के लिए। मैं 3-4 दिनों के लिए यहाँ पर हूँ। काफ़ी ख़तरनाक वाली धूप है म्यांमार में। हालत ख़राब हो जा रही है, पसीना बह रहा है, ह्यूमिडिटी है। अब मुझे एटीएम जाना था यार, चलो मैं एटीएम चेक ही कर लेता हूँ। मैंने कहा कि 5 मिनट वॉक के बाद एटीएम मिल जाएगा। मैंने तो यहाँ पे ऐसे इंडियन रुपीज़ ही दे दिया, 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पड़े। I mean 50 रुपया दिया मैंने, और 45.5 रुपये के आसपास होता है 1000 के आस। अब जाके देखता हूँ आगे। ये मैं यूज कर रहा हूँ KBZ बैंक का ATM, और रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं नियो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेट एकदम इंटरनेट वाला मिल रहा है मुझे, तो थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं। जाता हूँ विड्रॉ कर लेता हूँ पैसे फिर। तो मैंने पैसे विड्रॉ किए लगभग $160, 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास मैंने विड्रॉ किया पैसा। और मैंने जो चार्जेस पे किया वो लगभग 300 रुपये थे यार। ATM विड्रॉल चार्ज यहाँ 300 रुपये हैं, बट मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, खास करके डॉलर्स में, क्योंकि मैं इसके बाद जाऊँगा थाईलैंड, और वो सब भाई साहब पैसे देखने को मांगते हैं, तो मुझे विड्रॉ करना पड़ा। साथ में एक यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन है, जहाँ पे जो मैंने पैसे निकलवाए हैं क्याट्स में, उसको मैं चेंज कर लूँगा US डॉलर में। घाटा नहीं लगा मुझे, लेकिन क्योंकि रेट काफ़ी अच्छी मिल रही है, मतलब इंटरनेट से भी अच्छी रेट मिल रही है। जो इसलिए जो मैंने पैसे विड्रॉ किए थे, जो विड्रॉ चार्ज मैंने पैसे दिए थे ATM के, वो मेरा हो जाएगा कि रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। फिर जाता हूँ ATM विड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे छोटा सा बैंक है यार। अब तो बारिश भी होने लगी ख़तरनाक वाली, देख रहे हो। अब मुझे लगता है मेरा बैग बाहर है, मुझे लगता है लोगों ने अंदर किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि मैं एक दुकान में रख के बैग आया था। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। मैंने डॉलर से यहाँ से $150 रेट काफ़ी अच्छा मिला, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा मिल गया मुझे। और मेरे पास थोड़े से क्यास भी पड़े हैं, लगभग 10,000 क्यास होंगे। 10,000 क्यास मतलब 450 रुपये 500 रुपये के आसपास है मेरे पास, क्योंकि मेरा म्यांमार का बजट है ये 3-4 दिनों के लिए। बारिश बंद होगी तो मैं जाऊँगा, बिचाई करूँगा, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया। सिम मैंने नेटवर्क ले लिया, I mean सिम कार्ड ले लिया, बैलेंस हो गया। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से, तामू को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई यहाँ पर कभी भी बारिश बस स्टार्ट हो जाती है, और कभी ख़तरनाक वाली धूप रहती है। अभी 5 मिनट पहले ख़तरनाक वाली धूप थी, अब ये बारिश हो गई। अब चैन की सांस मिलेगी, आराम से चेक करूँगा। वैसे ऑलरेडी 2:12 हो गया है, तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। मेरा बैग सामने कहीं एक शॉप में मैंने रखा था, और मैं इस तरफ आया था पैसे विड्रॉ करने के लिए, सिम कार्ड लेने के लिए। सिम कार्ड मेरे पास ऑलरेडी था ही, बट सिम में रिचार्ज कराने के लिए। अब फटाफट जाके फिर चेक करता हूँ। तो भाई मुझे दूसरी लिफ्ट भी मिल गई है इस कार में, I mean ये पता नहीं टैक्सी टाइप का कुछ है। और ये भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी है। आई सिट हियर, यस, ओह थैंक यू। देखो भाई, बैठने की अच्छी खासी जगह मिली है, और ये दे रहे हैं। अभी जस्ट बारिश हुई थी, फिर से धूप हो गई, गर्मी लग रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि लिफ्ट नहीं मिलने पर टाइम पास कैसे किया जाता है। ये अगेन अभी हाईवे पे कोई भी कार या ट्रक नहीं आ रही है, बस बाइक्स आ रही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक इस गेम से टाइम पास हो रहा है मेरा। एक कार आ रही है, होप मुझे जगह दे देगी। वन कार, होप मिल जाएगा। लिफ्ट तो नहीं मिल रही। चलो मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इंडियंस को तामू जो सिटी है, मोरे लाइक जो म्यांमार का जो मेन सिटी है, मेन बाज़ार है, वहाँ आने के लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना आधार कार्ड, नहीं वीज़ा नहीं पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड लेके आओ, वहाँ पे रजिस्टर कराओ, और आपको 1 दिन के अंदर आपको जाना होगा वापस बैक टू इंडिया। सो यू डोंट नीड एनी पासपोर्ट नॉट वीज़ा। आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा और आपको वो जाने के लिए दे देंगे। आप बाइक से भी आ सकते हो, बाइक भी अलाउ है। मैंने देखा काफ़ी इंडियंस बाइक से भी आ रहे थे। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया यार कि मैं जब मेरे पास तो वीज़ा पासपोर्ट है इसलिए मैं अंदर तक जा रहा हूँ, बाकी मोरेस तामो सिटी उस तरफ है, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया कि मेरे पास वीज़ा पासपोर्ट है या नहीं। दैट्स मीन्स अगर कोई बंदा एक दिनों का पास लेके अंदर आता है तो वो अंदर तक जा सकता है, अंदर तक जा सकता है। म्यांमार तामू या आंटी ने ऑटोमेटिकली रोक दिया, ओके। वो अंदर तक जा सकता है यंगून वगैरह तक, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह कहीं चेक नहीं किया मेरा। होपफुली आगे चेक करें, बट मैं शहर से काफ़ी आगे निकल गया हूँ और किसी ने कोई चेक नहीं किया अभी तक। शायद आई डोंट नो क्या होता है, बट ऐसा लगता है कि कोई भी अंदर चले जाएगा, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड होगा ना कि आप ये बंदा गया लेकिन आया क्यों नहीं। आई होप यही होगा। 3 माइल्स के लिए लिफ्ट मिल गई। तीन माइल्स के लिए मिली है और नज़ारा गजब का है। ये भाई साहब ने दिया है। खम्पात के लिए लिफ्ट मिल गई जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। चलो यार थोड़ी लंबी लिफ्ट मिली है बहुत दिनों के बाद, आई मीन बहुत दिनों के बाद। और ये लोग सारे मेरे को पैसेंजर हैं, मैंने उनसे बात की एक्चुअली। ये एक तरह से ये सामान ढोने वाली है, बट ये पैसेंजर्स को भी लेते हैं और कुछ पैसेंजर्स और चढ़ रहे हैं। हेलो ओए, बच्चा लोग कितना क्यूट है। हम लोग अभी इंडिया के पैदल ही चल रहे हैं। इस साइड म्यांमार है और जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ इंडिया में आता है, और कुछ ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां हम लोग इंडिया के अंदर जाके फिर से बाहर निकलेंगे। ऐसे मुझे मैप से पता चल रहा है, तो वापस से इंडिया जाने का फिर से मन करने लगा। हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं और सामान अभी लोड हो रहा है। मेरे पीछे जो है अखाई सलाम और ये हमारे साथ सारे को पैसेंजर्स हैं। से हेलो टू द कैमरा। हाय भाई निया छोटा सा गांव है, ये कस्बा है। ये ट्रक वाले भाई साहब आ रहे, इससे पूछता हूँ कहाँ जाते हैं। अगर ये कलाओ तक जाएंगे तो इससे निकल जाऊँगा मैं। आई थिंक ये पुलिस वैन है। उन लोगों ने अपने में ही बात करके मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, अब मैं दूसरे कार्ड में आ गया हूँ। वही वाला अच्छा लग रहा था यार, क्योंकि वो जा रहे थे खम्पात के लिए, फिर जाएगी कल तक। कल यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, तो मुझे अच्छी खासी लिफ्ट मिल गई है। और ये मैं आपको दिखाऊँगा जब वो कार पास करेगी जिसमें मैं जा रहा था। से बाय भी कहना है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा। शायद काफ़ी इमिग्रेंट्स वगैरह आते हैं क्या, उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट भेजा, दिखा दिया। अब आए इस गाड़ी से मैं आया लगभग 125 किलोमीटर और शाम के 6 बज रहे हैं। मैं किसी कलाई सिटी में हूँ, कलाई। अब मुझे जाना है यंगून और आगे बढ़ना है। हाईवे पे जाते जाते 1 घंटे लग जाएगा। रात को सोने का इंतज़ाम करता हूँ अब, मैं तो फिर जाके हिचहाइक हाईवे पे। ऐसे इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, अभी भी हिचहाइक कर सकता हूँ, बट पहले कुछ खा लेता हूँ फिर जाता हूँ हिचहाइक करूँगा पहले। म्यांमार नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक तरह से स्वर्ग है। यहाँ पे जो खाना आता है 35 रुपये का मुझे मिला चिकन चावल, और ये 5 रुपये की कॉफ़ी। 40 आई एम फ्रॉम इंडिया। ये जनाब कह रहे थे क्या कि थोड़ा तीता है, मैंने कहा भाई साहब मैं इंडिया से हूँ। This is meat. It's vegetable. Bean. Bean, yeah, okay. 40 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, बताओ। एक कॉफ़ी, ये सलाद समथिंग एंड बीन्स एंड चिली स्पाइस चिली। This is sour sauce. Sauce. Yeah. This is fish. Fish, yeah. Mixed chili. Okay. Thank you very much. टीशू तुम्हारे। तो मैंने खाना खा लिया यहाँ पर, अब वापस से जा रहा हूँ हाईवे पे, सामने है। जब तक लिफ्ट मिलेगी। Where you going? गंगांव? हाँ? गंगांव? यंगून? Where you go? You go where? समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं गाड़ी का नंबर कितना है। मंडाले, अच्छा मंडाले, मंडाले यू नो नो मंडाले, यू विल गो टू मंडाले नो, यू वेयर यू गो, वेयर आर यू गोइंग, यू गो मंडाले बगान, यू वेयर हक्खा। अब भाई देखता हूँ हक्खा कहाँ है। ओए हक्खा 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 हक्खा। कैन आई कम विद यू? हक्खा हक्खा, कैन आई कम? आई विथ यू हक्खा, यू ड्रॉप हक्खा मी। You drop me Hakha, and you, I go Yangon from Hakha. No? समझ ही नहीं आ रहा इस बाइक को। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ यार। Okay. So you Hakha, I Hakha, same Hakha, Hakha. इतना बोलने के बाद पता चला कि नहीं, ये लेके नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आगे हाईवे, हाईवे से देखता हूँ कहाँ तक मिलती है। हक्का पक्का जहाँ के लिए मिलेगी। मैंने इनको 10 रुपये का नोट दिया। काफ़ी खुश होगा ये। तो ये भाई जा रहे हैं मुझे एक पगोड़ा में ड्रॉप करने के लिए, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थैंक यू ब्रदर। सो मैं इससे जा रहा हूँ इस बाइक से। $7 million या जो नो नो यार, यू कैन गिव दिस बस फॉर माय, इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके तो भाई